हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज का जो वीडियो है गाइस, इसमें मैं आपके साथ शेयर करूंगी डेली वेयर कुर्ता रिव्यू। इसमें मैंने आपके लिए प्लाजो भी इंक्लूड किए हैं और एक ट्राउज़र भी है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। और कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा और जो मैंने प्रोडक्ट दिखाए हैं आपको उनमें से कौन सा प्रोडक्ट आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस, फर्स्ट जो मेरा डेली वेयर कुर्ता है वो है ये ब्लैक कलर का कुर्ता। ये है ब्रांड MYX से। इसको मैंने अमेजोन से परचेज किया था। तो ये देखो गाइस, ये जो कुर्ता है प्योर कॉटन फैब्रिक का कुर्ता है। इसमें राउंड नेक है और साथ में हमें यहाँ पे ये डोरी दी गई है टाइप करने के लिए, और यहाँ पे हाईलाइटिंग के लिए पिंक कलर के टैसल्स लगाए हुए हैं। और ये जो कुर्ता है इसका मैं आफ्टर वॉश रिव्यू भी दे सकती हूँ आपको, क्योंकि मैं इसको वॉश कर चुकी हूँ, वियर कर चुकी हूँ। तो इसमें जो है बिल्कुल भी कलर नहीं निकलता है, और आप देख सकते हो कि मैं इसको 2 से 3 बार पहन चुकी हूँ और वॉश भी कर लिया है। तो इसका कलर जो है वैसा का वैसा है, बिल्कुल भी फेड नहीं हुआ है। और ये ब्लैक कलर का वेवी कुर्ते का जो MRP था वो था 899, और मैंने इसको आई थिंक अंडर 400 ही परचेज किया है। और ये एक शॉर्ट कुर्ता है, डेली वेयर के लिए आप इसको ज़रूर से परचेज कर सकते हैं, बहुत ही कम्फर्टेबल है। नेक्स्ट जो कुर्ता है गाइज वो है ये विशुद ब्रांड का कुर्ता। इसको मैं आपको ओपन करके दिखा देती हूँ। ये जो कुर्ता है गाइज, पूरा ही कुर्ता इसी तरीके से प्रिंटेड है, फ्रंट बैक बोथ साइड से इसी तरीके से प्रिंटेड है। और इसमें मिल जाता है इस तरीके का नेक, साथ ही में यहाँ पे जो हमें बटन्स दिए हुए हैं ये सिर्फ ऊपर का सिर्फ एक ही बटन ओपनेबल है, बाकी नीचे के दोनों बटन जो है वो नॉन फंक्शनल है। और ये वुडन बटन्स दिए हुए हैं हमें यहाँ पर। इसमें जो है मिल जाती है 3/4 स्लीव्स, आप देख सकते हो सिर्फ 3/4 स्लीव्स मिल जाती है। और इसके अंदर में जो है ना, इसको फोल्ड करके भी आप पहन सकते हो। तो इसके अंदर में हमें दिया हुआ है इस तरीके से दिया हुआ है। इसको आप जो है ऊपर फोल्ड करके भी पहन सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एक बटन दिया हुआ है, देखिए ये बटन दिया हुआ है, तो इसको फोल्ड करके भी आप पहन सकते हो। इस तरीके का इसका पैटर्न है। और इसका जो फैब्रिक है गाइस, प्योर कॉटन फैब्रिक है और थोड़ा सा थिन फैब्रिक है, ट्रांसपेरेंट नहीं है पर थोड़ा थिन है, लाइट कॉटन है। आप इसको इजिली समर्स में वेयर कर सकते हो। तो इसीलिए मैंने आपको बोला है कि डेली वेयर कुर्ता है ये भी। डेली वेयर कुर्ता में ये भी आप डेली वेयर पहन सकते हो, और जो इससे पहले मैंने MYX शेयर किया वो भी आप डेली वेयर में पहन सकते हैं। और ये दोनों ही स्ट्रेट कट कुर्ता है। नेक्स्ट गाइज वो है ये प्लाजो। ये है बाय द ब्रांड तवस्या से। ये मैंने अमेजोन से परचेज किया था। और इसका जो पैटर्न है गाइस, मेरी हाइट के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊं तो जैसे कि मेरी हाइट है 5'1", तो शॉर्ट हाइट की वजह से मुझे प्लाजो को बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के खरीदना पड़ता है, क्योंकि जो ज़्यादा लंबे प्लाजो होते हैं, जो लॉन्ग होते हैं, वो मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। लेकिन ये वाला जो प्लाजो है गाइस, इसको तो मैं कहूँगी कि मुझे भी क्रॉप्ड आ रहा है, ठीक है। तो अगर जिनकी हाइट मुझसे ज़्यादा है, 5'1" से ऊपर के जो लोग हैं, जैसे 5'2" 5'3" जो भी हैं, जिनकी भी हाइट इतनी है, तो उनको तो ये बिल्कुल ही डेफिनेटली क्रॉप्ड ही आएगा। तो जिनको क्रॉप्ड प्लाजोज पहनना पसंद है वो उसको डेफिनेटली परचेज कर सकते हैं। इसका फिटिंग बहुत अच्छा है, देख सकते हो। इसका जो वेस्ट बैंड है, दोनों ही साइड में हमें इलास्टिक दी हुई है, साथ ही में फ्रंट में हमें ये ड्रॉ स्ट्रिंग दिए हुए हैं, जिससे भी आप इसको ईजिली एडजस्ट कर सकते हैं। इसका फ्लेयर काफ़ी अच्छा है गाइज, और घर में पहनने के लिए तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया पीस है ये। इसका जो प्राइस है वो भी आई थिंक इसको मैंने अंडर 400 परचेज किया गाइस। आपको विश्वास नहीं होगा, अंडर 400 में आपको इतना अच्छा प्लाजो मिल रहा है। तो आप इसको डेली वेयर के लिए तो परचेज कर ही सकते हैं। जो प्रोडक्ट है गाइस वो है ये ट्राउजर। ये नेवी ब्लू कलर का ट्राउजर है। इसकी ब्रांड है ग्लोबल देसी। और इसका जो MRP है गाइस वो देखो आप कितना है, 1499 इसका जो प्राइस है, वो MRP इसका 1499 है। लेकिन गाइस आपको विश्वास नहीं होगा, इसको मैंने परचेज किया है अंडर 400, ओनली अंडर 400 मैंने इसको परचेज किया है। इसका फैब्रिक अमेजिंग है, बिल्कुल भी सी थ्रू नहीं है। बस गाइज इशू इतना सा है कि ये मुझे थोड़ा सा लॉन्ग हो रहा है, तो इसके लिए मुझे इसको अल्टर करना पड़ेगा। अदरवाइज एकदम परफेक्ट है समर्स के लिए, आप इसको डेली वेयर में पहन सकते हो। क्योंकि इसमें जो फ्रंट है इसमें हमें प्लेन बेल्ट मिल जाती है, और बैक में हमें दी हुई है इलास्टिक। इसमें मैंने साइज परचेज किया है स्मॉल। प्रोडक्ट है गाइज वो है ये प्लाजो। ये चिकनकारी का वर्क है पूरे ही प्लाजो में। ये है ब्रांड लिबास से। और इसका जो MRP है गाइज, वो मैं अगर आपको बताऊँ तो इसका MRP है गाइज 1499, लेकिन इसको मैंने अंडर 900 परचेज किया है। इसको मैंने मिंत्रा से परचेज किया था। तो ये देखो आप, ये प्लाजो है गाइज, इतना अच्छा प्लाजो है ये। आप हमेशा जैसे कि सोचते हैं कि अगर हम वाइट प्लाजो लेंगे तो वो सी थ्रू होगा, और ऊपर से उसमें चिकनकारी का वर्क हो तो वो डेफिनेटली सी थ्रू होगा ही होगा। बट गाइज इसकी खास बात ये है कि इसका जो अपर एरिया है, अपर पोर्शन है ये वाला, यहाँ पे हमें कॉटन की लाइनिंग दी हुई है। ये देखो आप,
यहाँ पे हमें कॉटन की लाइनिंग दी हुई है जिससे कि ये बिल्कुल भी सी थ्रू नहीं है। साथ ही में दोनों साइड इसमें पॉकेट्स हैं और पूरे में आपको चिकनकारी का वर्क देख सकते हो। ये देखो, आप पास से दिखा देती हूँ, देखो कितना ब्यूटीफुल वर्क है, बिल्कुल एक थ्रेड भी नहीं निकला हुआ कहीं से भी, इतना फाइन वर्क हुआ हुआ है इसमें। और इसका जो लेग है बॉटम साइड से, ये देखो इसके जो विड्थ है वो कितनी है आप देख सकते हो। और साथ ही में ये देखो नीचे का डिटेलिंग देखो आप, कितना ब्यूटीफुल है ये देखो। तो आप इसको भी डेफिनेटली परचेज कर सकते हो, इसको किसी भी कुर्ते के साथ आप वियर करेंगे तो काफी प्रिटी लुक आएगा। तो गाइज ये था मेरा आज का कलेक्शन, अगर आपको इसमें से कोई भी प्रोडक्ट पसंद आता है तो आप डेफिनेटली इसको डिस्क्रिप्शन में जाके परचेज कर सकते हैं। और हाँ, कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा कि आपको कौन सा प्रोडक्ट पसंद आया और मेरा वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।